चलो, सो लेट्स स्टार्ट. सो आई वांट टू नो कि आप लोग को काफी सारे डाउट्स हैं. सम ऑफ यू इवन टेक्स्टेड मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहाँ पे भी. तो इसीलिए आई वांटेड टू कीप अ डाउट्स क्लास, ताकि जिन लोगों को पर्सनली भी मैसेज करे उनका डाउट्स भी सब एक बार देख पाए, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन हैव अ होलिस्टिक व्यू कि क्या क्या हो सकते हैं. तो किसको क्या क्या डाउट्स है एक बार चैट बॉक्स में लिख लो. चैट बॉक्स में एक बार कीप राइटिंग, देन आई विल आस्क यू टू अनम्यूट अगर मेरे को जरूरत लगे तो. आई होप आप लोग सब अब फेब एकदम एंड होने वाला है, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग अ गुड 7 sums अ डे मिनिमम ऑन एमएस वर्ड, बिकॉज आई थिंक मॉक्स भी अब स्टार्ट होने वाले वेरी सून. स्पेशली फॉर IAI स्टूडेंट्स तो इन नो टाइम इट्स गोइंग, यू ऑल मस्ट हैव स्टार्टेड ऑलरेडी फॉर विद द मॉक्स. किसी को कोई डाउट्स नहीं है. कंपीटिंग रिस्क, कंपीटिंग रिस्क में क्या डाउट है मैम? जैसे उसमें बहुत वैसा प्रोबेबिलिटी जो था, जैसे AQXR AQXD, तो मतलब जो नीचे और ऊपर लिखना पड़ता तो उसमें कंफ्यूजन है मैम। अच्छा, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों होते हैं. यस एग्जैक्टली मैम। और मैम जो वैसा होता है जैसे TPX HH, जो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का ही मेनली मैम, मतलब गॉट इट। जो स्टेट के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्टेट्स का ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज ना। यस मैम, ठीक है, ओके. और लोग बोलो जब तक वर्ड खुल रहे तब तक. आप लोग सबके पास आई होप एमएस वर्ड 2013 है या उसके ऊपर, ऐसा कोई भी है? एंड अगर नहीं पता आप लोग को तो आप लोग जाके प्लीज चेक करो अपना सिस्टम में. हाँ कुणाल बोलो. मैम एक्सेल का डाउट है मीन थोड़ा सा। एक्सेल का मतलब कैसा डाउट? मीन्स जैसे कि उसमें अपन इंसर्ट करते हैं ना बीच में रॉज कॉलम्स, हाँ तो मैम एक तो अपन वैसा लेफ्ट क्लिक करके करते हैं, हाँ और एक तो जैसे अपन कंट्रोल लेफ्ट प्लस कर, क्लिक की राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक मीन्स, हाँ और एक तो अपन वैसे करते हैं ना कंट्रोल प्लस से करते हैं। ठीक है. तो तो मैम उसमें डिफरेंस ऐसा था कि कंट्रोल प्लस से करते हैं ना तो सारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हाँ, तो आप मत करो, आप राइट क्लिक करके करो ना. ज्यादा शॉर्टकट्स मत यूज करो, बिकॉज शॉर्टकट्स आपका लाइफ को इजी करने के लिए. आपको अगर कोई भी शॉर्टकट में कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उस शॉर्टकट को मत यूज करो. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बार रोज ऐड करना है या कॉलम्स ऐड करना है. इट इज जस्ट मे बी पूरे एग्जाम टाइम में आपको हो सकता है मे बी 2 times मैक्सिमम ऐड करना पड़े. तो उसमें आप अगर राइट क्लिक करके यूज करोगे तो उससे आपका ये होगा कि आपको वो शॉर्टकट भी याद नहीं रखना पड़ेगा. इट इज जस्ट अ वेरी नॉर्मल 1 second थिंग, इसलिए यू कैन अवॉइड द शॉर्टकट, नो इश्यूज. एंड मैम जैसे कि मॉक था ना वो एक्सेल वाला, तो उसमें मींस क्या पहले से शीट्स बनी हुई है वर्कबुक के अंदर, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन था कि 3% इंटरेस्ट रेट को 5% करना है, तो मैम वो कॉपी नहीं हो रहा है, वहां से कॉपी अच्छा. करेंगे तो वहां पर वो पेस्ट नहीं हो रहा अच्छे से। अच्छा, ये मुझे देखना है क्योंकि मॉक्स मैंने देखा नहीं है कि क्या है CM1 का मॉक्स इस बार. तो एक बार आई विल सी एंड आई विल गेट बैक टू यू. आपको इंटरेस्ट रेट कौन सा, मॉक नंबर 1, फर्स्ट 1, मॉक नंबर 1 में ना? ठीक है, पर मैं नोट कर लेती हूँ. मॉक 1 में आपको एक्सेल में प्रॉब्लम हो रहा है मींस उसमें अपन कॉपी जैसे कि ना 3% को 5% करना है, तो वहां से कॉपी कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मली अपन कैसे करते थे कि वो राइट क्लिक करके वो कॉपी करते थे कॉपी शीट, तो हो जाता है। इसमें तो हाँ. वो पहले से बना हुआ है सब कुछ बना हुआ है, तो इसलिए हो ही नहीं रहा वो। अच्छा ठीक है, आई विल सी. और एक चीज है कि आप सब लोग के लिए कि इंस्टीट्यूट आपको भेजता है एक तो फ्रेमवर्क या एक फॉर्मेट बना के भेजता है. यूजुअली CM1 के लिए मोस्टली देते हैं उन लोग कि आपको कैसे भरना है एंड हाउ योर शीट्स शुड लुक. उन लोग शीट्स ऑलरेडी बना के देते हैं, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप लोग को वो ही फॉलो करना है एकदम भी. ये कहीं नहीं लिखा है कि उन लोग जो फॉर्मेट भेज रहे हैं आपको वही फॉर्मेट में देना है. इफ यू आर कंफर्टेबल इन सम अदर फॉर्मेट, मेरे टर्म में भी हुआ था
उन लोग जो कॉलम्स बना के दिए थे, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि वो कॉलम्स क्या है. तो इट डजंट मैटर, आप वो कॉलम्स को रहने दो, साइड में आप अपना खुद का एक टेबल बना लो या फिर उस शीट को ही हटा दो. आप अपना एक नया शीट ऐड करके उसमें अपने हिसाब से टेबल बना लो. एज लॉन्ग एज यू आर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, यू आर गिविंग देम व्हाटएवर दे रिक्वायर, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या कॉलम्स बनाओ, कैसे कैलकुलेशंस करो. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई हैव सीन मॉक वन में. लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम में किसी को भी हो कि आप लोग को कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करना है, वो शीट मूव या कॉपी करने से होगा बट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसी शीट को मूव और कॉपी करके कर सकते हो. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एक बार शेखा. हाँ शेखा. मैम मेरे को बस एक डाउट था, ये एग्जाम में कितना टाइम मिलता है वो अपलोड करने के लिए टोटल, मतलब मैम कंप्लीट एंड अपलोड करने में? आपको 3 hours 15 minutes मिलेगा फॉर द पेपर, दैट इज फॉर CM1A, एंड 3 hours 20 minutes, सॉरी 3 hours 20 minutes मिलेगा. लास्ट टाइम से चेंज हो गया, 5 minutes एक्स्ट्रा दे गिव यू. 3 hours 20 minutes यू हैव फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड रीडिंग टाइम, राइटिंग टाइम सब. उसके बाद आफ्टर दैट 3 hours 20 minutes योर राइटिंग टाइम स्टॉप्स, मतलब आपका MS Word डॉक्यूमेंट का लास्ट एडिटेड टाइम शुड बी विद इन दोस 3 hours 20 minutes. एंड उसके बाद यू गेट आई थिंक हाफ एन आवर मिलते हैं, हाफ एन आवर टू अपलोड योर आंसर स्क्रिप्ट. हालांकि आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो, एंड अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो मैक्सिमम 2 minutes लगता है. 2 minutes के अंदर अंदर आपका अपलोड भी हो जाता है आंसर स्क्रिप्ट. तो हाफ एन आवर इज ओनली फॉर द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस, कि बहुत ज्यादा कोई जोरदार टेक्निकल ग्लिच हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड यू माइट हैव टू कॉल द इंस्टीट्यूट और समथिंग, तो उसके लिए वो हाफ एन आवर दिया जाता है. वरना वो 3 hours 20 minutes को ही आप एग्जाम टाइम समझो, एंड समझो उसके बाद आपको हाफ एन आवर दिया जा रहा है टू अपलोड योर आंसर स्क्रिप्ट. एंड फॉर CM1B इट इज 1 hour 45 minutes प्लस आपका अपलोड टाइम हाफ एन आवर. मैम मतलब अगर हम पेपर ए में मेरे को 5 मिनट अगर हम एक्स्ट्रा मतलब राइटिंग टाइम के लिखेगा तो क्या उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम एक्स्ट्रा? डेफिनेटली पता चल जाएगा. देखो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है ओपन, सपोज यहाँ पे हम लोग अगर इसको सेव करते हैं, हाँ ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं. अगर हम लोग तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा ना एमएस वर्ड का, उसमें आपको दिख जाएगा कि ये कितना बजे क्रिएट हुआ था एंड कितना बजे लास्ट एडिट हुआ था. तो अगर आप 5 minutes एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका लास्ट एडिटेड टाइम विल शो 5 minutes इन एक्सेस ऑफ द 3 hours 20 minutes. ठीक है मैम, अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिखते हैं तो क्या फिर मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्या, मतलब अगर एक्स्ट्रा टाइम लिखो? वो डिडक्ट होने का बात नहीं है, दे कैन सेंड यू अ मेल कि आपका आंसर स्क्रिप्ट. आप सोचो ना ऑफलाइन एग्जाम में अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे टाइम अप होने के बाद तो क्या होगा, आपका पेपर कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे भी सेम ही चीज है, यहाँ पे बस इन लोग तुरंत आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि आपका कैंसिल करें, बाद में उन लोग मेल भेजेंगे. यहाँ पे देखो रिलेटेड डेट्स में क्रिएटेड में आया टुडे 5:44 PM एंड लास्ट मॉडिफाइड में आया 5:50 PM. अगर आप एक स्पेस बार भी टाइप कर दिए बियॉन्ड दैट 3 hours 20 minutes, उन लोग को ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या टाइप किए, लेकिन उन लोग को ये पता चल जाएगा कि 5 मिनट बाद तक आपका डॉक्यूमेंट खुला था और उसमें कुछ कुछ हो रहा था. अब आप भले ही एक पूरा आंसर लिखो वो 5 मिनट्स में या सिर्फ गलती से कुछ दबा दो वो 5 मिनट्स में, इट इज द सेम थिंग फॉर देम एंड सेम फॉर क्रिएटेड. अगर आप पहले से डॉक्यूमेंट बनाओगे बिफोर योर एग्जाम, अगर आप बना के अपना हेडर फुटर डाल दोगे, क्वेश्चन नंबर्स डाल दोगे, पेजेस इंसर्ट कर दोगे, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा फॉर क्रिएटेड.
इनफैक्ट आप वर्ड फाइल खोल के भी रखो, अगर एक वर्ड फाइल खोल के भी रखोगे इफ यू विल नॉट टाइप एनीथिंग इन इट, तो भी वो क्रिएटेड हो सकता है कि पहले का दिखा दे. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर यू प्रेस ऑन डाउनलोड फॉर द क्वेश्चन पेपर, उसके बाद एप्लीकेशन को खोलो, उसके पहले खोलने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाई टेक द रिस्क. इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. यहाँ पे दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे दे कैन इजीली सी कितना बजे क्रिएट हुआ है, कितना बजे लास्ट मॉडिफाई हुआ, टोटल एडिटिंग टाइम पे दिखाएगा. हाँ बोलो मैम. सेव करने के बाद अगर हम लोग खोलते हैं वर्ड फाइल, तो उसका लास्ट मॉडिफाई टाइम चेंज होता है? हो सकता है चेंज, इट डिपेंड्स. कुछ कुछ डिवाइस में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ अगर क्लिक भी कर दोगे तो हो सकता है हो जाए. तो इसीलिए जस्ट सेव इट एंड क्लोज इट. आपको जब चेक करना होगा तो चेकिंग आप अपलोड जब करोगे, यू विल गेट एन ऑप्शन टू रिव्यू योर पेपर. जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो पोर्टल पे, आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, तब तब चेक कर सकते हो कि आप करेक्ट वर्ड फाइल अपलोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ठीक है, डोंट हैव टू ओपन इट फ्रॉम योर डिवाइस. बंद कर देना एकदम 3 hours 20 minutes के बाद, टोटल क्लोज. ओके. एंड मैम रिजल्ट कितने टाइम पे आता है, कब आ जाता है रिजल्ट? ये देखो एग्जाम तो दे लो पहले. रिजल्ट यूजुअली रिजल्ट का डेट साइट पे दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे एग्जाम डेट्स दिया रहते हैं वहीं पे रिजल्ट डेट्स भी दिया रहते हैं. एंड अराउंड रात को 11 to 11:30 PM या कभी कभी 11 PM आते हैं, कभी कभी 11:30 PM आते हैं फॉर IFOA. एंड IAI का यू विल रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज जब रिजल्ट आएगा, मतलब यू विल रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज विद योर मार्क्स. एंड वो अचानक से, उन लोगों का कोई सेट टाइम नहीं होता मेरे ख्याल से, अचानक से निकलते हैं, बस डेट उन लोग बोल देते हैं. दिन के टाइम यूजली निकलते या तो आफ्टरनून या फिर इवनिंग. ठीक है, तो एक बार वो प्रोबेबिलिटीज आपको दिखाने हैं. अब टू वेज है, एक है कि आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज करो. उसके लिए क्या करोगे, आपको शॉर्टकट्स का यूज करना है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल इक्वल टू एंड कंट्रोल प्लस का. तो कंट्रोल इक्वल टू करने से हम लोग क्या लिखा है, सबस्क्रिप्ट है, यू राइट एन, फिर उसके बाद नॉर्मल पे आके पी, अगेन यू गो टू द सबस्क्रिप्ट एंड यू राइट लेट्स से x, एंड ऊपर में जो है उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस. कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिए आप सुपरस्क्रिप्ट पे चले गए h h. यही प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे थे ना? यस मैम. ठीक है, तो ये हुआ इफ यू आर यूजिंग दीज शॉर्टकट्स. इफ यू आर यूजिंग इक्वेशन एडिटर ऑल्ट इक्वल टू, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज किसी लेटर के या किसी नॉर्मल अलाइनमेंट के पहले सबस्क्रिप्ट देने के लिए यू हैव टू चूज दिस लेफ्ट सबस्क्रिप्ट के लिए. इसमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे तो आप स्पेस दे दो ऊपर में क्योंकि कुछ नहीं है, यहाँ पे एन लिख दो, इसके बाद पी, उसके बाद नॉर्मल यू कैन यूज अंडरस्कोर एंड कैरेट साइन. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन एडिटर यूज करने से. अगर नॉर्मल कीबोर्ड नोटेशंस करें देन इट विल बी npx ब्रैकेट में hh. ओके, तीनों वेज इक्वली एक्सेप्टेबल. और बोलो प्लीज इसके पहले कैरेट साइन मत देना, इवन दो वो सुपरस्क्रिप्ट में है लेकिन कैरेट साइन मत देना, क्योंकि हम लोग जब कैरेट साइन देते हैं तो इट इम्प्लाइज टू द पावर ऑफ, राइट? मैथमेटिकल टाइपिंग में कैरेट साइन का मतलब इज टू द पावर ऑफ, तो टू द पावर ऑफ करना गलत हो जाएगा क्योंकि आप टू द पावर ऑफ एच एच नहीं कर रहे हो, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट, क्योंकि नीचे हम लोग कुछ ऑलरेडी लिख रहे हैं. तो कैरेट साइन मत देना, खाली ब्रैकेट में एच एच लिख देना. और बोलो और किसको क्या डाउट्स है? किसी को कोई डाउट नहीं है? और हाँ कुणाल बोलो. मैम प्रॉफिट टेस्टिंग में अपन टेबल बनाते हैं ना, तो वो तो एक्सेल में बना लेते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि कॉलम ज्यादा होते हैं,
तो वो क्या कभी कभी तो सही आता है, कभी कभी ऊपर नीचे आता है पेस्ट करने में, क्या चीज़? वो टेबल। तो उसको आप वर्ड को जब कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो कौन सा पेस्ट स्पेशल यूज करना है? डायरेक्टली पेस्ट करने से गड़बड़ आएगा, पेस्ट स्पेशल अगर करोगे तो आप कौन सा वाला चूज करते हो? मैम नॉर्मल करता हूँ कॉपी वहां से, यहाँ पेस्ट नॉर्मल। तो बहुत बार नॉर्मल करने से ना ये प्रॉब्लम आता है, जब भी आप पेस्ट करोगे अगर आपका नॉर्मल नहीं है तो देखो कि एज सून एज यू पेस्ट, बॉटम राइट में यूजुअली एक तो पेस्ट का सिंबल आता है जिसके नीचे एक ड्रॉप डाउन रहता है, वहां पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है, उसमें से यू ट्राई आउट द डिफरेंट ऑप्शन, यूजुअली कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग से हो जाता है या कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से भी हो जाता है, अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग चीज काम करते हैं, तो वो आप लोग आई वुड सजेस्ट एक बार अपना एक्सेल में एक एकदम रैंडम सा टेबल बना के कॉपी पेस्ट करके देखना कौन सा वाला बेस्ट सूट कर रहा है। ये जरूर है कि एक्सेल से जब आप वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दो तो 100% एग्जैक्ट टेबल नहीं आते, वो आपका वर्ड पे बनाने से ही आएगा या फिर इंसर्ट टेबल फ्रॉम एक्सेल से ही आएगा, और ये आप लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए पेस्ट करने के बाद थोड़ा एडिटिंग रिक्वायर्ड होता है, हो सकता है आपको फॉन्ट साइज थोड़ा ऊपर नीचे करना हो ताकि इट फिट्स इनटू वन पेज, बहुत बार नहीं तो कॉलम्स नीचे चला जाता है या फिर जो वर्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, अलाइनमेंट चेंज हो जाते हैं कभी कभी, तो वो आपको ध्यान रख के उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ सकता है इफ यू आर कॉपी पेस्टिंग इट इनटू वर्ड। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग एक सैंपल बनाए, तो देखो यहाँ पे आ गया एकदम नॉर्मली आया, बहुत बार नॉर्मली नहीं भी आएगा, तो यहाँ पे आप देख लो जैसे मैंने पेस्ट किया था यहाँ पे ये पेस्ट का सिंबल आया, इसका ड्रॉप डाउन में यू विल गेट ऑप्शंस, तो ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग था इसीलिए ये एकदम सेम डिट्टो आया। यूज डेस्टिनेशन स्टाइल में क्या होगा कि आपका जो भी फॉन्ट चल रहा है, जो फॉन्ट चल रहा है, फॉन्ट साइज चल रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में वो आएगा। लिंक एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में एकदम जैसे एक्सेल में लग रहा था वैसा ही दिखेगा, डेस्टिनेशन स्टाइल में एकदम वर्ड जैसा हो जाएगा। पिक्चर के फॉर्म में कभी मत करना पेस्ट, पेस्ट एज पिक्चर क्यों नहीं, क्योंकि आप पेस्ट एज पिक्चर करोगे तो एकदम आप फिर उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? एडिटिंग इज नॉट पॉसिबल इफ यू पेस्ट एज पिक्चर, एंड वो एग्जामिनर को गलत भी दिखता है। आप अगर पेस्ट एज पिक्चर करो तो एग्जामिनर को एकदम शॉर्ट शॉर्ट पता चल जाएगा कि आप एक्सेल से कॉपी पेस्ट क्यों, सो व्हाई टेक दैट रिस्क जब बाकी ऑप्शंस में हो रहा है। एंड कीप टेक्स्ट ओनली तो कभी भी मत करना, क्योंकि फिर आपका टेबल का सारा लाइन हट जाएगा। सो यू इधर यूज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग या यूज डेस्टिनेशन स्टाइल, तो ये दोनों ही हमेशा बेस्ट रहते हैं, इधर ऑफ द टू यूज। क्लियर है? उसके बाद कुछ भी एडिट करना है, अगर आपको कॉलम्स बढ़ाना है कॉलम्स का विथ तो यू कैन इंक्रीज कॉलम्स का विथ, आराम से कर सकते हो। अगर आपको रोज का विथ बढ़ाना है तो रोज का भी विथ सकते हो, सब कर सकते हो। अगर आपको कोई वैल्यू एडिट करना है या कहीं पे भी कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड सम एक्सप्लेनेशन, हो सकता है क्योंकि एक्सेल में जब हम लोग फॉर्मूला एंटर करते हैं तो उसके साथ में वी आर नॉट एबल टू राइट एनी टेक्स्ट, क्योंकि वो फॉर्मूला से सिर्फ वैल्यू आएगा, तो आप आफ्टर कॉपी पेस्टिंग है आप यहाँ पे हो सकता है वर्किंग दिखा सकते। लेट्स से 7 वाज गिवन, वैल्यू एट बिगनिंग दिया हुआ था 7, तो यू कैन राइट गिवन वर्ड पे कॉपी पेस्ट करने के बाद, एक्सेल में नहीं कर सकते। ओके, तो क्लियर है ये चीज? और बोलो किसको क्या डाउट है? हाँ ट्वेंटी Ma'am, I wanted to ask बोलो। how to write indicative variables on Word, ma'am. Like indicative variables and the delta t. Like we have three parts to write it. ये शायद एक टेबल में भी था मेरे ख्याल से, इसमें व्हाट यू कैन डू इज
let's say delta t. अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख सकते हो. यूजुअली जब हम लोग लिखते हैं पेपर पे, तो व्हाट वी डू इज हम लोग मिडिल लाइन पे ये लिखते हैं, ऊपर एक वैल्यू लिखते हैं, नीचे एक वैल्यू लिखते हैं. When you're typing on MS Word, what you do is you can start from this line only. So let's say 0.7 space for x less than 0, and then next line में जाके space करके 0.303 for x greater than 0. ऐसे करके लिख सकते हो. ये पूछ रहे हो ना? हाँ, yes ma'am. तो ऐसे करके लिख सकते हो आराम से, नो इश्यूज एट ऑल. बस ये देखना कि ये वाला जो अलाइनमेंट है, ये स्पेस दे दे के आप ये अलाइनमेंट को बस मेंटेन करो. थोड़ा सा आगे पीछे ठीक है, बट इट शुड बी विजिबल. क्योंकि अगर आप यहाँ से स्पेस नहीं दोगे तो ये हो सकता है एग्जामिनर थिंक्स यू हैव स्टार्टेड विद समथिंग न्यू, ये इंडिकेटर वेरिएबल का पार्ट नहीं है. तो इसलिए बस स्पेस दे के मेक श्योर दिस अलाइनमेंट इज द सेम. और ये अलाइनमेंट को करने के लिए एक और चीज कर सकते हैं. मैंने आप लोग को आई थिंक स्टार्टिंग की क्लास में सिखाया था रूलर का. तो इसको हम लोग यहाँ से भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं. क्या किया? कुछ नहीं, बस ये जो नीचे वाला एरो टाइप का है, दिस इज इंडेंटेशन. क्या होता है, हम लोग जब बचपन में सीखते थे फिगर गैप, और टू फिंगर गैप को इंडेंटेशन बोलते हैं. बिकॉज़ एवरी टाइम वी स्टार्ट अ पैराग्राफ वी लीव एन इंडेंटेशन. तो यहां से आप इंडेंटेशन चेंज कर सकते हो इस लाइन का. तो ड्रैग करके यू कैन गेट इट ओवर हियर. ओके, इफ यू डोंट वांट टू प्रेस स्पेस बार इतना, सो इट्स बेटर इफ यू यूज इंडेंटेशन. और बोलो. मैम आपने बोला ना अभी जो वाला अभी दोनों था ना रूलर, तो मैम वो तो अलग अलग भी होते हैं, ऊपर वाला भी राइट लगाता है. हाँ ये वाला क्या चीज? जैसे कि ये दो है ना, मतलब इसको दोनों अलग अलग भी तो होते ना ये, तो हाँ, इनका इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है? मैं भी नहीं गई ऑनेस्टली. आई ऑलवेज यूज द नीचे वाला रूलर, क्योंकि मैंने देखा है यूज करके कि नीचे वाला से ही काम होता है. जो भी करना है वो नीचे वाले से ही होता है. दीज आर सम थिंग्स जो बहुत टेक्निकल होते हैं, एंड आई हैव नॉट डन अ प्रॉपर कोर्स एज सच. जो भी है आई हैव ऑब्वियसली जो टाइपिंग है उसका किया है मैंने, लेकिन ये सब वर्ड का एकदम डीप टेक्निकलिटीज है. तो नीचे वाला को यूज करने से हमेशा काम हो जाता है, इसलिए आई ऑलवेज यूज नीचे वाला. यू आर ऑल्सो ऑलवेज यूज नीचे वाला. लेकिन अगर जानना है तो आई विल डेफिनेटली डू सम रिसर्च ऑन इट एंड लेट यू नो कि क्या होता है ऊपर नीचे वाले का काम. और बोल, किसी को पता है यहाँ पे कि ऊपर नीचे वाले का काम क्या होता है? इफ एनी ऑफ यू हैव एवर लर्न्ड समवेयर और रेड अबाउट इट. किसी को भी आइडिया तो प्लीज हम लोग सबको हेल्प कर दो. ठीक है, आई विल ओनली सी एंड आई विल लेट यू ऑल नो. बोलो तब तक, और किसको क्या डाउट है? मैम GFLRV उसमें आई होता है ना, ओ आई, तो मैम उसमें वैसे भी बनाना पड़ता, आई होता है ना वो टर्म इंश्योरेंस में 1 और 0 करके, तो मैम उसमें वो ऐसे ना पूरा ऐसे बनाना पड़ता है, क्या बनाना? ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बड़ा वाला. नहीं तो कर्ली ब्रैकेट जरूरी नहीं है एमएस वर्ड में. आप इंडिकेटिव वेरिएबल जैसे जो लिखते हैं वही बोल रहे हो ना, कि उसका वैल्यू चेंज हो जाते हैं? यस मैम. तो यहाँ पे एक तो कर्ली ब्रैकेट आते हैं, यही बोल रहे हो? ये कर्ली ब्रैकेट का जरूरत नहीं है एमएस वर्ड में, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप खाली अगर ऐसे अलाइनमेंट दिखा रहे हो तो वो भी चलेगा. मैम जैसे हम CM1 का जो पहला मॉक है पेपर है का वो दे रहा था, तो उसमें जो वर्ड पे हम जो लिख रहा था उसका फॉन्ट आई थिंक 22 था या काफी बड़ा था. तो जब प्रॉफिट टेस्टिंग के सम कर रहा था तो मैम उसमें वैल्यूज बाहर निकल जा रहा था. तो हम तो अपना फॉन्ट 22 करने, फॉन्ट कौन बोला 22 करने?
पूरे पेपर में सिर्फ 12 ही करना है, पूरे पेपर में 12 खाली क्वेश्चन नंबर अगर लिखना है, मतलब आंसर वन अगर लिख रहे हो उसको हाईलाइट करने के लिए इंक्रीज कर सकते हो अप टू 16 मैक्सिमम, 16 तक कर सकते हो, बाकी पूरा पेपर फॉन्ट साइज 12 में रहेगा, 11 या 12 दोनों में से जो भी आपका डिफॉल्ट है, एमएस वर्ड खोलते जो आएगा 11 आएगा या 12 आएगा वही रखना है। लाइन स्पेसिंग जो होगा, लाइन स्पेसिंग को हमेशा 2 to 2.5 या तो 2 या 2.5, 2 इज ऑल्सो इनफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर दें लाइन स्पेसिंग 2, बहुत नीट लगता है लाइन स्पेसिंग 2 करने से, स्पेशली ये सब पेपर्स में जहाँ इतना सम्स है, इट लुक्स वेरी नीट इफ यू आर गिविंग लाइन स्पेसिंग 2, ठीक है। लाइन स्पेसिंग 2, नो कलर्स, फॉन्ट नेम भी टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्री जो भी आपका डिफॉल्ट है वही रहेगा, फॉन्ट साइज 11, 12, 10 इसी रेंज में रहेगा, 22 बिल्कुल भी नहीं। 22 करने से आपका सिर्फ प्रॉफिट टेस्टिंग का टेबल के और बहुत कुछ हो सकता है जो आपका बाहर चला जाए, अगर आप कोई लंबा इक्वेशन टाइप करने का कोशिश करो तो हो सकता है वो भी चला जाए बाहर, अगर सपोज बॉन्ड्स का कोई इक्वेशन आप टाइप कर रहे हो वेरी लॉन्ग वन जा सकता है नेक्स्ट लाइन में। और अलाइनमेंट लेफ्ट ही रखना, बहुत बार इक्वेशन एडिटर का अलाइनमेंट सेंटर में हो जाता है, उसके लिए शॉर्टकट इज कंट्रोल एल, जैसे आप इक्वेशन एडिटर में लिखना खत्म करोगे अगर कंट्रोल एल दबाओगे वो अपने आप लेफ्ट अलाइन हो जाएगा सब कुछ पूरा इक्वेशन एडिटर, ठीक है। कुछ भी हाईलाइट करना है, कोई कीवर्ड को हाईलाइट करना है, तो द ओनली वे ऑफ हाईलाइटिंग इज बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये तीन छोड़ के और कुछ भी नहीं करना है यूज। और बोलो मैम, आई थिंक ये सिली क्वेश्चन है, लेकिन मैम क्या पेपर ए के बेसिस पे पास हो सकता हूँ? लाइक 70% वेटेज होता है पेपर ए का, अगर किसी का पेपर ए में अराउंड 75 आ गया अलोन, तो क्या पास हो सकता है पेपर ए के अलोन पे? होने को तो हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सोचने का सोचना भी मतलब डोंट इवन थिंक ऑफ थिंकिंग दिस, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पेपर में दे विल ट्रिक यू, यू genuinely never know. बहुत टाइम होते हैं कि पेपर बी से, इट्स ऑलवेज मीन थिंग कि पेपर बी से सबको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि कुछ भी दे कैन गिव, बट एक्चुअल में पेपर बी इज वेरी स्कोरिंग, बिकॉज पेपर बी में आप सोचो आप एक्सेल में जितना कॉलम बना रहे हो ना, हर एक कॉलम के लिए मार्क्स है, एवरी वैल्यू यू एंटर विल हैव सम मार्क्स, तो भले आपका आप कुछ भी कर लो, एटलीस्ट जो आप कर रहे हो शेड्यूल में आप भले कोई और टाइम का रीपेमेंट्स निकालने लग जाओ, लेकिन वहां तक भी जो आप गए यू आर यूजिंग द सेम मेथड जो होता किसी भी ईयर के लिए, तो हर एक कॉलम के लिए 1-1, 2-2 मार्क्स रहते हैं आराम से मिनिमम, तो पेपर बी से प्लीज मत करो ज्यादा, इट हेल्प्स यू स्कोर अ लॉट, एंड टू स्कोर वेल यू हैव टू डेफिनेटली डू वेल इन पेपर बी ऑल्सो। ये आई विल नॉट से कि पेपर ए के भरोसे पास हो, बट हो सकते हैं इफ यू डू एक्सट्रीमली वेल इन पेपर ए, तो हो सकता है कि सिर्फ उसके भरोसे आप पास हो, बट प्लीज ये सोचो मत अपने अंदर पहले से, अगर ये सब सोचोगे तो फिर एग्जाम में क्या करोगे, अभी तो एग्जाम इतना दूर है, अभी से यू ऑल आर थिंकिंग ऑल दिस, अभी यू ऑल हैव सो मच टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आज भी अगर कोई पेपर भी रिवाइज करना स्टार्ट करेगा तो इतना टाइम है कि वो आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं पेपर। अच्छा, अगर और किसी को डाउट्स नहीं है तो फिर मेरे को ये जानना कि आप लोग अपना मैट खोल के, अपना नोट्स खोल के, जितना भी टाइप का अश्योरेंसेस है, एनुइटीज है, सबको देखियो कि एमएस वर्ड पे कैसे लिखना है, ऑल काइंड्स ऑफ अश्योरेंसेस एंड एनुइटीज। कुछ कुछ चीज विच आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप इन माइंड, जैसे अगर कोई एनुइटी है या अश्योरेंस है, दो टाइप का होता है, एक होता है जब इंक्रीज भी कंटिन्यूअसली हो रहा है और जब इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट पेमेंट इज कंटिन्यूअस, तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस बेसिकली कहाँ आता है कि बार सिर्फ आई ए, सिर्फ ए पे है कि बार आई ए दोनों पे है,
इस चीज को डिफरेंशिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आई ए दोनों पे बार है तो कैसे लिखेंगे, आई ए को ब्रैकेट में डालना फिर बार लिखना एंड देन योगिन लेट्स से एन. और अगर खाली ए पे बार है तो आई लिख के ब्रैकेट में ए बार कर देना, आई में आई लिख के ब्रैकेट में ए बार कर देना एंड देन गिव एन. ऐसे करके आप लोग को डिफरेंशिएट करना होगा. कहीं पे भी अगर ऊपर में वन लिखा है तो इधर यू गिव एन apostrophe और ब्रैकेट में यू कैन राइट वन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आई ए एक्स एंड अगर मेरे को एन के ऊपर वन दिखाना है तो इधर आई कैन गिव एन apostrophe और आई कैन गिव अ वन, या फिर ऑफकोर्स दी स्टैंडर्ड मेथड भी हम लोग पहले सीखे थे कि आप सीधा यहाँ पे कुछ भी करने की जगह इंस्टेड ऑफ ए यू राइट कि टर्म इंश्योरेंस है कि एंडाउमेंट है कि क्या है. ठीक है, ये चीज ये थ्री वेज है टू शो कि एक अगर एक्स के ऊपर वन है मतलब टर्म इंश्योरेंस है तो इधर यू कैन राइट एक्स वन दिखाने के लिए कि एक्स के ऊपर वन है, यू कैन डू एक्स डैश और यू कैन राइट ITA लिखने पर वन होना चाहिए फॉर टर्म इंश्योरेंस. ओके, अगर डेफर्ड है कोई भी चीज तो देखोगे ये वाला सिंबल है तो शिफ्ट एंड बैकस्लैश वाला की. तो अगर एन डेफर्ड QX करने एन डेफर्ड लेट्स से एन डेफर्ड 5Q73 तो एन डेफर्ड 5Q73 ऐसे लिखोगे. ओके, ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स में क्या करोगे, ई इसके बाद फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सुपरस्क्रिप्ट में जाओ क्योंकि वो दिखने में वही डिसेंट लगते हैं. उसके अलावा अगर आप कुछ करोगे तो हो सकता है कि वो गलत वे से कंस्ट्रू हो, तो इट्स बेटर कि जस्ट फॉर दिस यू यूज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, इट्स बेटर. सेम अगर बार नीचे में, अगर x और n के ऊपर बार है तो लेट्स सी यहाँ पे अगर x और n पे मेरे को बार करने तो व्हाट आई विल डू इज I will put this entire thing in brackets and then write bar. ठीक है, तो ब्रैकेट को यूज करके आपको दिखाना होगा कि बार एग्जैक्टली कितने पोर्शन पे है. और बोलो किसी को ऐसा कोई भी मिला जिसको टाइप करने में आपको लगता है इशू हो सकता है. हाँ ट्विंकल बोलो. Ma'am, in the exam, can we just write the longer questions first and then the shorter questions at the last? Like 15 marks first. कर सकते हो वैसे, लेकिन since it's an online exam, देखो जब offline exam होते हैं ना तो ये चीज करते हैं obviously कि जो भी easier question है वो कर लो पहले, difficult question बाद में, या जैसे भी आप order change कर सकते हो. लेकिन बिकॉज इट्स ऑनलाइन इट डज नॉट मेक सेंस कि आप पेपर का ऑर्डर को चेंज करो. वॉट यू कैन डू इज आई एम नॉट थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन द सेम ऑर्डर, नॉट एट ऑल. आप क्या करो, मैंने आप लोग को इंसर्ट पेज वाला सिखाया था, आप एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दो. लेट्स से आंसर वन हो गया, अब आंसर टू करने है. लेकिन आंसर टू अभी आपको नहीं अटेम्प्ट करना, यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट इट लेटर, जस्ट राइट आंसर टू. इसके बाद एक और लैंग्वेज इंसर्ट कर दो एंड स्टार्ट विद आंसर थ्री. तो क्या होगा, आपका जो हो जाएगा पूरा पेपर, यू कैन एनी टाइम कम बैक टू आंसर टू एंड स्टार्ट योर आंसर. तो उससे आपका फॉर्मेटिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू हैव जस्ट लेफ्ट स्पेस. एंड ऐसा भी है यहाँ पे कि स्पेस कंस्ट्रेंट है, आप अगर फुल पेज लिख दिए लेट्स से पूरा पेज हो गया, पूरा पेज आपको लग गया आंसर लिखने में और आपको नेक्स्ट पेज में भी जाना पड़े तो देयर इज नो स्टॉपिंग यू क्योंकि आपका थर्ड आंसर ऑटोमेटिकली उसके बाद वाले पेज पे चला जाएगा. तो इसलिए डोंट चेंज द ऑर्डर,
leave space. If you don't want to attempt it, just insert one page and let it be. उसके बाद आप आराम से करते रहना बाद में, ठीक है? और बोलो, बाकी लोग को कुछ भी डाउट नहीं है? सब मॉक दे दिया यहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन है जो अभी तक मॉक नहीं दिया? एक भी, नॉट इवन वन मॉक दे के में. क्यों समर्थ? मैम मेरा सिलेबस थोड़ा लेट खत्म हुआ था. कब कब देने का सोच रहे हो? अच्छा ठीक है, मॉक नहीं दिया लेकिन टाइपिंग प्रैक्टिस तो की हो? जो भी समझा अभी भी कर रहे हो एमएस वर्ड पे की हो? हाँ मैम, परसों हम फर्स्ट मॉक दे देगा. ठीक है, वेरी गुड. और बाकी लोग सब कर लिया यहाँ पे? बोलो शे. नहीं मैम, वो गलती से वो क्लिक हुआ. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. तो किसी को और कुछ भी डाउट नहीं है? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? और कोई भी एनविटी, कोई भी अश्योरेंस जिसको टाइप करने में किसी को भी अभी याद भी आ रहा है, एक बार 2 मिनट्स लो एंड जस्ट थिंक कि अगर कोई भी एनविटी अश्योरेंस है जिसमें डाउट लग रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी सबसे डाउटफुल वाला हो सकता था वो सब करा दिया है, इसके अलावा कुछ भी है, टेक 2 मिनट्स एंड टेल मी. मैम जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर का दिखा दीजिएगा. जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर देखो, मेरे को सीएम दिए हुए 2 साल हो गया, प्लीज मेरे को लिख के दिखाओ तुमको एग्जैक्टली कौन सा वाला चाहिए. मैम जॉइंट लाइफ में एक चीज है कि अगर कोई भी, द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज, अगर कोई भी अश्योरेंस या एनविटी में आप लोगों को लग रहे ना कि कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों के पास एक बहुत इजी वे आउट है. एक नॉर्मल टाइप लिख लो एंड देन ब्रैकेट में लाइक से लास्ट सर्वाइवर के लिए हमको इतना पता है कि आपको ऊपर में 1 2 करना होता है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 2 इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, ब्रैकेट में आप खाली लिख सकते हो लास्ट सर्वाइवर. अश्योरेंस या एनविटी लिखने के बाद बस ब्रैकेट में लिख दो लास्ट सर्वाइवर, वो भी इनफ है. बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, जैसे ओके, अगर हम जैसे कोई भी जॉइंट लाइफ का बोल रहे हैं, जॉइंट लाइफ एनुइटी जैसे 40 मेल है, फीमेल 45 एंड 20 का टर्म है, तो वही ब्रैकेट में जॉइंट लाइफ लिख देगा. जैसे जॉइंट लाइफ लिखने का जरूरत नहीं है, जॉइंट लाइफ तो पता ही चल जाएगा ना जब आप एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू दोगे. लेट्स से सपोज अगर जॉइंट लाइफ एनुइटी है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ए, उसके बाद आप फर्स्ट लाइफ का लिखोगे एज, लेट्स से 50 है एंड मेल है. Second life is 65-year-old female and your term is let's say 10 years, ठीक है? तो ये जब आप दो life लिख रहे हो ना, तो इसी से पता चल गया कि joint life है, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है. इसके बाद आप सिर्फ last survivor लिख सकते हो, नहीं तो अगर किसी में 1 add कर रहे हैं तो m के बाद में you can add 1, let's say अगर 50m वाले में अगर 1 add करना है तो you can give a 1 in the bracket, ये भी आप कर सकते हो. And best is कि अगर bracket में आप लिख दो last survivor. और बोलो, for testing can we just type out everything without using Excel? मतलब आवाज बहुत कट है. हाँ ऑफकोर्स यू कैन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत चीज करने से रोका जा सकता है, लेकिन वर्ड पे आपको जो भी करना है आप कर लो. मैम आपका स्कोर क्या था एग्जाम में? क्यों
मैम इंस्पिरेशन चाहिए ना। 93 मिल गया इंस्पिरेशन। अब प्लीज नेक्स्ट टाइम ये मत बोलना मेरे को पेपर बी में भी 88 मिला था इसलिए 93 आया। 88 मिला था या तो 80 मिला 85 मिला था या 88 मिला था ऐसे ही कुछ मिला था तभी जाके 93 आया। तो अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो नेक्स्ट टाइम ये मत पूछना कि खाली पेपर एक के भरोसे चले जाएगा। दोनों पेपर मेरा पेपर भी बहुत खराब था मेरे को लगा था कि बहुत खराब गया मेरा पेपर भी जेन्युइनली लेकिन पता ही नहीं चलता बिकॉज कॉलम वाइज आपका मार्क्स एड अप होके इतना सारा मार्क्स बन जाता है पेपर भी में कि यू नेवर नो कब आपका इतना अच्छा हो जाएगा। और बोलो तो फिर आज हम लोग यहीं तक रखें। किसी को भी कोई डाउट होगा आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव अच्छा ट्विंकल आप वापस आ गए हो। आई वाज सेइंग कि आप वर्ड पे टेबल इंसर्ट करके कुछ भी कर सकते हो उसमें कोई रुकाई नहीं है। द ओनली लिमिट इज प्लेस्ड कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सेल। और एक्सेल से भी जब आप कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट करो देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। ठीक है तो अगर आपको प्रॉफिट टेस्टिंग सॉल्व करके वर्ड पे डायरेक्टली वैल्यूज डालने हैं तो वो भी कर सकते हो। ओके मैम थैंक यू। ठीक है तो किसी को अगर और कोई डाउट नहीं है अभी तो आज हम लोग फिर यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आई थिंक हो सकता है शायद एग्जाम्स के पहले लास्ट टाइम आई मीटिंग यू ऑल तो ऑल द बेस्ट। प्लीज प्रिपेयर वेल डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना। जेन्युइनली सीएमएन इज अ वेरी नाइस पीपल। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।